आपको कमेंट्री के साथ साथ शब्द रचना का जादू भी दिखाएंगे। तो आप भी मेरे साथ बोलो, अगड़न्तु झगड़न्तु, शब्द रचना का ज्ञान बच्चों के लिए हो जाए शुरू। बच्चों, फुटबॉल का मैच चल रहा था। मैच खेलते हुए अब्बास ने भागते हुए सुरेश के पांव में अड़ंगी दी, जिससे सुरेश पलटकर गिरा और पांव की हड्डी टूट गई। अब सुरेश का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। उसके अध्यापक ने उसे प्रोत्साहन दिया, परंतु उस पर कोई प्रभाव ना पड़ा। एक बार हतोत्साहित होने के पश्चात पुनः फुटबॉल के खेल में सोचता हिस्सा लेना सरल ना था। एक खिलाड़ी के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि खेल में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कोई दूसरा खिलाड़ी अनुत्साहित हो जाए। बच्चों, क्या आपने गौर किया कि इसमें कुछ शब्द रंगीन क्यों हैं? मैं आपको बताता हूँ। इन शब्दों के आरंभ में भिन्न भिन्न शब्दांशों का प्रयोग हुआ है, जिससे शब्द का अर्थ बदल गया है। जैसे बच्चों, उत्साह यह मूल शब्द है। प्रोत्साहन, प्र जोड़ उत्साह, यानी उत्साह बढ़ाना। हतोत्साहित, हत जोड़ उत्साहित, जिसका उत्साह मर गया हो। सोत्साह, स जोड़ उत्साह, यानी उत्साह के साथ। अनुत्साहित, यानी अन जोड़ उत्साहित, उत्साह के बिना। इस प्रकार उत्साह शब्द से हमने अनेक शब्दों का निर्माण किया। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इसके अलावा यदि किसी शब्द से पहले दूसरा शब्द आ जाए तो वह उपसर्ग नहीं कहलाएगा। उपसर्ग केवल शब्दांश के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। एक, उपसर्ग शब्दांश होते हैं और इनका प्रयोग शब्दांशों के रूप में ही होता है। दो, उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। तीन, उपसर्ग मूल शब्दों के पूर्व लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में उपसर्ग चार प्रकार के होते हैं। एक, हिंदी के उपसर्ग। दो, संस्कृत के उपसर्ग। तीन, उर्दू के उपसर्ग। चार, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। एक, हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अ, अर्थ अभाव। नवीन शब्द अमर, अकाल, अचेत, अज्ञान, असत्य। उपसर्ग अन, अर्थ के बिना, के रहित। और शब्द हैं अनमेल, अनपढ़, अनबन, अनमोल। नंबर दो, संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग आ, अर्थ तक, समेत। नवीन शब्द आदान, आजीवन, आचरण, आगमन। अति, यानी अधिक। शब्द अत्याचार, अत्यधिक, अत्यंत। नंबर तीन, उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग खुश, अर्थ अच्छी। नवीन शब्द खुशबू, खुशखबरी, खुशहाल। गैर, यानी निषेध। नवीन शब्द गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। ना, यानी ना होना। जैसे नापसंद, नामुमकिन, नाराज। बद, यानी बुरा। शब्द बदनाम, बदबू, बदमाश। बे, यानी के बिना। शब्द बेवकूफ, बेइज्जत, बेईमान। चार, संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अतः, अर्थ भीतरी। नवीन शब्द अंतःकरण, अंतःपुर। अंतर, यानी भीतरी। शब्द अंतर्मन, अंतर्राष्ट्रीय। अ, यानी अभाव। नवीन शब्द अकाल, अशोक। चिर, यानी बहुत देर।
नवीन शब्द चिरकाल, चिरंजीवी। पुनर् अर्थ फिर, नवीन शब्द पुनर्जन्म, पुनर्जागरण। बच्चों अब जरा इन चित्रों पर गौर करें। शिक्षित अशिक्षित, आदर अनादर। बच्चों ये सभी शब्द मूल शब्दों से पूर्व अशब्दांश जोड़कर बनाए गए हैं। बच्चों अब मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताता हूँ। श्रीमती दिव्या साहनी ने जैसे ही शिवम की कक्षा को पढ़ाना आरंभ किया, शिवम की कक्षा के छात्र उत्साहित हो हर कार्य में रुचि लेने लगे। उत्साह युक्त कार्य में लीन छात्रों को देख विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रसन्न होती। कुछ संयोग ऐसा बना कि श्रीमती दिव्या साहनी को 2 वर्ष का अवकाश लेना पड़ा। इसका प्रभाव उत्साही छात्रों के व्यवहार पर स्पष्ट दिखने लगा। नए अध्यापक उन्हें समझ न पाते, कक्षा के छात्र उत्साहहीन हो गए। बच्चों इस गद्यांश में लाल रंग के शब्दों पर ध्यान दें। ये शब्द उत्साह शब्द से निर्मित हैं। इन शब्दों के अंत में क्रमशः इत ई शब्दांश जोड़ने से नवीन शब्दों का निर्माण हुआ है। ये ऐसे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। इन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे उत्साह जोड़ इत बराबर उत्साहित, उत्साह जोड़ ई बराबर उत्साही। तो बच्चों वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बच्चों उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। अंतर केवल इतना है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में। ऊपर लिखे गद्यांश में नीले लिखे शब्दों पर ध्यान दें। यहाँ उत्साह के पश्चात युक्त तथा हीन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये दोनों शब्दांश नहीं है, अतः इन्हें प्रत्यय नहीं कह सकते। बच्चों प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। बच्चों अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। 1. कृत प्रत्यय। क्रिया के मूल के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। क संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। प्रत्यय धातु शब्द, प्रत्यय अक धातु लिख पट धाप, शब्द लेखक पाठक धावक। इसी प्रकार प्रत्यय अन धातु द गम सह वच, शब्द दान गमन सहन वचन। ख विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। प्रत्यय अनीय धातु कथ स्प्री, शब्द कथनीय स्मरणीय। प्रत्यय है आकू धातु पढ़ लड़, शब्द बनेंगे पढ़ाकू लड़ाकू। 2. तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय आ धातु भूख, शब्द भूखा। प्रत्यय है आई धातु भला अच्छा, शब्द है भलाई अच्छाई।